मानसून की हुई पहली बारिश के बाद जो है अब धान की रोपाई जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस दिनों का जो है किसानों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। वहीं इस वक्त जो है मैं मनोर में मौजूद हूं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश के बाद जो है किसानों के खेतों में जो है वो पानी भर चुका है और किसान जो है बड़े पैमाने पर जो है धान की रोपाई के काम में जो है वो जुट गए हैं। बारिश का किसानों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। बारिश आते ही किसानों के जो चेहरे हैं वो खिल उठते हैं। जैसे ही बारिश होती है किसान धान की रुपाई की तैयारी में जो है वो जुट जाते हैं। अगर हम धान की रुपाई की बात करें तो रुपाई से पहले जो धान के बीज को डालकर धान के पौधों को तैयार किया जाता है, इसके लिए करीबन 40 दिन तक का वक्त लग जाता है। पौधे तैयार होने के बाद जो है खेतों की जुताई कर फिर इन पौधों को खेतों में लगाया जाता है और इसके लिए खेतों में जो है पानी अधिक लगता है। धान की रोपाई करते समय जो है किसान पौधों के बीच की दूरी का भी पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इससे धान तेजी से बढ़ता है और पकने में भी ज्यादा समय नहीं लेता है। अगर हम धान की खेती की बात करें तो धान की खेती जो है केवल बारिश के दिनों में ही की जाती है, लेकिन अब टेक्निक इतना आगे बढ़ गया है कि कई जगहों पर जो है धान की खेती जो है अब पूरे साल होने लगी है। पालघर जिले में होने वाली खेती को लेकर अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में अधिकतर जो किसान हैं साल में एक ही बार जो है वो धान की खेती करते हैं। उसके बाद वो जो है या तो मजदूरी करते हैं या तो काम की तलाश में जो है जिले के बाहर चले जाते हैं या तो कंपनियों में जो है काम के लिए चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो बारिश का सीजन है वो किसानों के लिए यहाँ के अहम माना जाता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।